क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान जो कि आज एक मुस्लिम राष्ट्र है कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था और वर्ष 980 में अफगानिस्तान में हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग बहुसंख्या में थे। एक समय था जब भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के पार जाकर इराक को छूती थी। वर्ष 980 में अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन हुआ करता था और वो एक हिंदू राजा थे, लेकिन मुसलमान सुल्तानों ने उन पर हमला करके उनको सत्ता से बाहर कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान भारतवर्ष के नक्शे से बाहर चला गया। 17वीं सदी तक तो अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र ही नहीं था। अफगानिस्तान नाम का प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल में शुरू हुआ। भारत पर सबसे पहला सफल हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और तब गांधार में हिंदू और बौद्ध धर्म काफी उन्नत स्थिति में थे, लेकिन 8वीं सदी में मुस्लिम शासनकर्ताओं के आक्रमणों से यह मुस्लिम धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा और ऐसा लिखान खुद संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में किया है। अफगानिस्तान का सीधा संबंध महाभारत से भी है, क्योंकि कौरवों की मां गांधारी अफगानिस्तान के गांधार शहर से थी, जो शहर आज कंधार नाम से जाना जाता है। गांधारी गांधार देश के सुबल राजा की कन्या थी और वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में भी गांधार का गंधर्व देश नाम से वर्णन किया गया है। अफगानिस्तान के पठानों को पहले पख्ता या पख्तून कहा जाता था और अंग्रेज शासन में जिन पिंडारी समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी वो पठान और जाट ही थे। यहाँ के बमियान शहर में भगवान गौतम बुद्ध की दो विशाल प्रतिमाएं हुआ करती थी, जिनमें से एक तो पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, लेकिन मार्च 2001 में एक कट्टरपंथी संगठन ने इस मूर्ति को तोड़कर यह ऐतिहासिक धरोहर नष्ट कर दी। लेकिन ये काम उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि 5वीं सदी में बनाई गई ये मूर्तियां बलुआ पत्थर में एक पहाड़ को तराशकर बनाई गई थी और काफी विशाल थी। पहले रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके इन्हें तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन मूर्तियों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद मूर्तियों में बने छोटे गड्ढों में बारूद लगाकर विस्फोट किए गए, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। इससे मूर्तियों की सिर्फ टांगे ही नष्ट हुई। बाद में हर रोज इस मूर्ति के हर हिस्से में बारूद लगाकर इनमें विस्फोट किए जाते और ये काम 25 दिन तक चला। तब जाके उनके नापाक इरादों को सफलता मिली और ये मूर्तियां नष्ट हुई। इन मूर्तियों को गिराने की यह सिर्फ पहली कोशिश नहीं थी। 1221 में चंगेज खान ने, उसके बाद औरंगजेब, 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली, इसके साथ कई मुसलमान राजाओं ने इन मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली थी। इसी तरह यहाँ के म्यूजियम में रखी गई बौद्ध और हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी कट्टरपंथियों ने नष्ट करने की कोशिश की थी और इसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे, लेकिन अफगानिस्तान के बौद्ध और हिंदू इतिहास के सबूत यहाँ के काबुल म्यूजियम में आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। तो ये था हमारे भारतवर्ष के इतिहास का छोटा सा हिस्सा जो अफगानिस्तान का उल्लेख किए बिना अधूरा है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।